MZS TV सब्सक्राइब करें। यहां आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर बशीर और MZS के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक फार्म हाउस का विजिट। इस फार्म हाउस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसकी प्राइस क्या है, रकबा कितना है और कौन कौन सी एमिनिटीज शामिल हैं, इसकी लोकेशन क्या है। तो चलें आपको दिखाते हैं एक फार्म हाउस। जी तो ये फार्म हाउस जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, और उसके सामने ये दूसरा फार्म हाउस भी है, और इसका रकबा है जनाब 12 कनाल। जी 12 कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल फार्म हाउस है, जिसका मैक्सिमम रकबा जो है वो ग्रीन लैंड है, और 20% भी शायद बिल्ट अप एरिया नहीं होगा इसके अंदर, मैक्सिमम एरिया इसका ग्रीन है। तो ये आप देख रहे हैं एक फार्म हाउस जो कि कुछ बड़े कमरों पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर सारी इम्यूनिटीज़ हासिल हैं। ये आप देख रहे हैं ग्रीन पैच है, इसके अंदर बाउंड्री वॉल और CCTV कैमराज और बाकी तमाम अच्छी एमिनिटीज़ जो हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके एक साइड पे आपको प्रॉपर एक रोड मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है जो फार्म हाउसेज के दरमियान से गुजरता हुआ आपको नज़र आ रहा है, मस्जिद है, और इसके साइडों के ऊपर आपको ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन भी नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ फसलें काश्त नज़र आ रही हैं। तो ये 12 कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक फार्म हाउस है जो कि GT रोड से 72 जो मोड़ है वहाँ से चंद मिनट की मुसाफत पर है। आप एक कॉर्पोरेटेड रोड से इस फार्म हाउस तक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर ये छोटी सी बच्चों के लिए स्लाइड आपको इस टाइम नज़र आ रही है, सिंगल स्टोरी है और अच्छा सा कार पोर्च है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर प्रॉपरली ये सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, तकरीबन 3-1 मुकम्मल छोटे घर हैं जो यहाँ के मुलाजमीन के लिए हैं, और ये इसका इस साइड का रकबा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइडों पे ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन के अंदर ये सब्ज़ी काश्त है, इसके अलावा फसलें काश्त हुई हुई हैं। तो लेवल लैंड है, ख़ूबसूरत जगह है यहाँ पर, और ये आप एक मुकम्मल फार्म हाउस का एरिया देख रहे हैं। अपना ट्रांसफार्मर है, स्विमिंग पूल है, मस्जिद है, एनिमल और बर्ड केजेस हैं यहाँ पे, और रिहायशी कमरे तो हैं ही हैं। कार पोर्च आप देख रहे हैं खूबसूरत, और इसके साथ ये बच्चों के लिए स्लाइड है, और 12 कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक खूबसूरत सा फार्म हाउस है ये, जिसका ज़्यादा रकबा ग्रीन आप कह सकते हैं ग्रीन बेल्ट ही बना हुआ है, और बिल्ट अप एरिया। तो ये इसका टॉप व्यू है, दरमियान में रोड है, उसके अपोजिट साइड पे की इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर भी एक फार्म हाउस है, और ये टोटली लुश ग्रीन आप एरिया देख रहे हैं। इसके ग्रासी लॉन्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बना हुआ एक फार्म हाउस है ये आप देख रहे हैं। साइडों के ऊपर छोटे पौधे लगाए गए हैं, और ये एक रास्ता है जो सीधा आ रहा है कार पोर्च तक, और ये प्रॉपर मेन गेट आप देख रहे हैं, फेंसिंग है ऊपर, डबल फेंस है, CCTV कैमराज हैं, एक गार्ड रूम भी बना हुआ है गार्ड के लिए, और दरख्त छोटे से लगे हुए हैं। ये केजीज हैं, बर्ड केजीज हैं, एनिमल केजीज हैं, जहाँ पे आप अपने पसंद के जानवर और परिंदे रख सकते हैं। एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, प्रॉपर बाउंड्री वॉल ऑल राउंड आपको नज़र आ रही है जो प्रॉपरली फेंस्ड है। साइडों के ऊपर आप देख रहे हैं वो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, और अभी ये लॉन्स की ट्रिमिंग होनी बाकी है, जब ये ट्रिम हो जाएँ तो और इसकी ग्रीनरी के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। इसी तरह पौधों की ट्रिमिंग भी रिक्वायर्ड है अभी, क्योंकि ये अभी रेगुलर यूज़ के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आप इसकी मेंटेनेंस में थोड़ी बहुत कसर देख रहे होंगे, लेकिन इसको अगर प्रॉपरली काम किया जाए, मेंटेन करके और फिर चीज़ें देखेंगे तो आप
आपको इसकी मज़ीद बेहतर लुक नज़र आएगी। चले आएँ अब आपको इसका अंदर से सारा व्यू दिखाते हैं। जैसे आप इसके अंदर इंटर होते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं शोकेस बना हुआ है और ये मेन कॉरिडोर है, इसके अंदर बेडरूम्स हैं। चलें जी वन बाय वन सारे बेडरूम देखते हैं। बड़े खुले खुले बेडरूम हैं और ये आतिशदान बना हुआ है, खुली खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन बेहतरीन है और ये सीसीटीवी कंट्रोल आप देख सकते हैं और सिंपल एंड ब्यूटीफुल बेडरूम्स आप कह सकते हैं। अभी ये प्रॉपरली फर्निश्ड नहीं हुए, जब फर्निश्ड होंगे तो नई लुक बनेगी इनकी। ये आप देख सकते हैं सनरूम है, सर्दियों में आप यहाँ पे धूप एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा वेल टाइल्ड, ये इसकी दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं तो ये स्विमिंग पूल है, गर्मियों में आप स्विमिंग पूल में भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये इसके साथ एक मस्जिद भी है जो किसी का हिस्सा है और केजेस हैं और ये छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं राउंड शेप में। आएँ जी मेन कॉरिडोर से आप इसके बाकी रूम्स को चेक करते हैं। ये इसका दूसरा बेडरूम है, ये प्रॉपरली अभी फर्निश्ड उस तरह नहीं है जैसे मेंटेन करके फर्निश्ड होते हैं। जब ये फर्निश्ड हों तो इनकी एक मज़ीद बेहतर लुक होगी। देख सकते हैं बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, गर्मियों में वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले हवादार कमरे हैं और अटैच बाथरूम है। आएँ अब बाथरूम को भी चेक करते हैं, बड़े बड़े कपबोर्ड्स हैं और ये हैं वॉशरूम्स और बाथरूम, कम्प्लीटली टाइल्ड हैं ये भी, कपबोर्ड्स हैं कपड़े लटकाने के लिए, अलमारियाँ लकड़ी की और एक कंप्लीट पैकेज है। और उसके अलावा ये इसकी मेन गैलरी है। इसके किचन का विज़िट करते हैं जी। एक किचन टू साइड ओपन है, दो इसके दरवाजे हैं और ये गीज़र और बाकी छोटी मोटी एमिनिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं सारी, जो किचन की फॉर्मेलिटीज़ के अंदर होती हैं। यहाँ पे इनका अपना बिजली गैस का इंतज़ाम है मुकम्मल। ये किचन का छोटा सा स्टोर है। और ये आए जी दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम विज़िट करते हैं। चार बेडरूम्स हैं इसके अंदर, बड़े बेडरूम्स हैं जिनके अंदर सर्दियों में आतिशदान भी आप देख रहे हैं, इसके अलावा अटैच बाथरूम्स, कबोर्ड्स और सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि ये प्रॉपरली फर्निश्ड नहीं है जिसकी वजह से अभी वो फर्निश्ड वाली लुक जो आनी चाहिए वो नहीं है। आए जी इसका अटैच बाथरूम विज़िट करते हैं, दूसरे कमरों की तरह यहाँ पे भी अटैच बाथरूम, कबर्ड्स तकरीबन वैसे ही हैं जैसे कि आप बाकी देख रहे हैं, प्रॉपर गीज़र वगैरह लगे हुए हैं। और ये था जनाब इस कमरे का विज़िट, बकायदा आप आतिशदान देख रहे हैं, फायरप्लेस सर्दियों के अंदर यहाँ पे गर्म रखने के लिए इंतज़ाम है। और ये है जनाब इसका चौथा बेडरूम, चार बड़े बेडरूम्स हैं जिनके अंदर ऑलमोस्ट सेम एमिनिटीज़ हैं, अटैच बाथरूम और बाकी चीज़ें। और ये बैक साइड की आप गैलरी देख सकते हैं और ये एक छोटा सा तंदूर है जी। अगर आप तंदूर की रोटियां खाना चाहते हैं तो आप इस तंदूर को ऑपरेट करके तंदूर की रोटियों का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। अभी चूँकि वे फंक्शनल नहीं है जिसकी वजह से वो आग और कोयला आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये चार बेडरूम्स से जनाब सिंपल हैं लेकिन थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है, लेकिन ये है कि बड़े हवादार खुले और ख़ूबसूरत हैं। तो ये था जनाब इस फार्म हाउस का कंप्लीट विज़िट, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्राइस के ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये 12 कनाल विद ऑल एमिनिटीज़ विद ओन ट्रांसफार्मर सीसीटीवी कैमराज और सारी एमिनिटीज़ के साथ इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 5 करोड़ 25 लाख रुपए। तो 12 कनाल के ऊपर ये प्रॉपर मेंटेन्ड 5 करोड़ 25 लाख रुपए में मिल रहा है। इसको दो जगह से अप्रोच किया जा सकता है जनाब, एक तो इसको फतेह जंग रोड जो सी पैक के साथ है वहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है, और इसके अलावा जीटी रोड से जो लिंक रोड निकलता है बातर रोड उसके ऊपर अपर आते हैं तो चंद मिनट की ड्राइव के ऊपर आप इस लोकेशन के ऊपर पहुँच सकते हैं। और ख़ूबसूरत लोकेशन है और ख़ूबसूरत जगह पे ये लोकेट कर रहा है फार्म हाउस। और इसके मतलब अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। और अगर आप विज़िट करना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर एक इसका विज़िट भी करा देंगे। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको जल्द अज जल्द MZS के ऊपर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। जुबैर बशीर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, MZS के साथ कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।